फ्रेंड्स, मेरे एक सब्सक्राइबर हैं और आपने कमेंट बॉक्स में पूछा कि इस तरह के सेंटेंसेस को कैसे बोलें, जैसे तुम्हें एक डॉक्टर बनना ही है, तुम्हें एक डॉक्टर बनना ही था, तुम्हें एक डॉक्टर बनना ही होगा। तो आइए फ्रेंड्स सीखें कि इस तरह के सेंटेंसेस को कैसे बोलेंगे। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करें ताकि मेरा लेटेस्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो आइए फ्रेंड्स आज के लेसन की शुरुआत करते हैं। फ्रेंड्स, इस तरह के सेंटेंसेस जहां आप कहना चाहते हैं कि आपको कुछ होना ही होगा या बनना ही होगा, यानी आप यहां पर फोर्स की बात कर रहे हैं या कंपल्शन की बात कर रहे हैं कि ऐसा करना ही होगा या ऐसा करना ही है। तो फ्रेंड्स, इस तरह के सेंटेंसेस को बोलने के लिए अगर आपका सेंटेंस प्रेजेंट में है तो आप हैव हैड के साथ टू बी प्लस कोई नाउन या एडजेक्टिव का इस्तेमाल करेंगे। अगर आपका सेंटेंस पास्ट में है तो आप हैड टू बी प्लस कोई नाउन या एडजेक्टिव का इस्तेमाल करेंगे। और अगर आपका सेंटेंस फ्यूचर में है तो आप विल हैव टू बी के साथ कोई नाउन या एडजेक्टिव का इस्तेमाल करेंगे। कैसे करेंगे, आइए इस बात को एग्जाम्पल में बेहतर तरीके से समझें। तुम्हें एक डॉक्टर बनना ही है, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे यू हैव टू बी अ डॉक्टर। तो फ्रेंड्स, आपने यहाँ देखा कि बनना ही है, हैव टू बी के साथ एक नाउन का इस्तेमाल किया। तुम्हें एक डॉक्टर बनना ही था, तो आप कहेंगे यू हैव टू बी अ डॉक्टर। तो फ्रेंड्स, आपने यहाँ देखा कि मेरा सेंटेंस पास्ट में है इसलिए मैंने हैड टू बी का इस्तेमाल किया। तुम्हें एक डॉक्टर बनना ही होगा, तो आप कहेंगे यू विल हैव टू बी अ डॉक्टर। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बात समझ में आया कि इस तरह के सेंटेंसेस को बोलने के लिए हैव टू बी के साथ कोई नाउन या एडजेक्टिव का इस्तेमाल करेंगे, या अगर आपके सेंटेंस पास्ट में हो तो आप हैड टू बी के साथ कोई नाउन या एडजेक्टिव का इस्तेमाल करेंगे। आइए फ्रेंड्स कुछ और एग्जांपल देखते हैं ताकि आप इस कॉन्सेप्ट को शानदार तरीके से समझ सके। तुम्हें ताकतवर बनना ही है, तो फ्रेंड्स आप इस सेंटेंस के लिए कहेंगे यू हैव टू बी स्ट्रॉन्गर। अगर आपको कहना हो तुम्हें ताकतवर बनना ही था, यानी अगर आपका सेंटेंस पास्ट में हो तो आप कहेंगे यू हैव टू बी स्ट्रॉन्गर। और फ्रेंड्स, अगर आपका सेंटेंस फ्यूचर में हो, यानी अगर लिखा हो तुम्हें ताकतवर बनना ही होगा, तो आप कहेंगे यू विल हैव टू बी स्ट्रॉन्गर। फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आपको एक खास बात बता दूं, बाय द वे अगर इस तरह के सेंटेंस में वर्ब आने लगे, यानी कोई एक्शन वर्ड आने लगे, जैसे जाना, खाना, उठना, बैठना, पढ़ना, पढ़ाना, तो फिर आप यहाँ पर बी का यूज न करें, यानी आप बी का इस्तेमाल न करें। जैसे मुझे जाना ही है, तो आप कहेंगे आई हैव टू गो। अगर आपको कहना होगा कि मुझे जाना ही था, तो आप कहेंगे आई हैव टू गो। अगर आपको कहना हो मुझे जाना ही होगा, तो आप कहेंगे I shall have to go। यानी इन तीनों सेंटेंसेस में वर्ब आए हुए हैं, तो इस सूरत में आप टू के बाद बी का इस्तेमाल न करें। तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स कि यह कॉन्सेप्ट आपको शानदार तरीके से समझ में आया। फ्रेंड्स, अगर वाकई इस लेसन को आपने शानदार तरीके से सीखा तो क्या इस टॉपिक पर दो सेंटेंसेस कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं? दो सेंटेंसेस कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें ताकि मैं देख सकूं कि आपने सही सीखा या गलत। फिर मिलेंगे कुछ और अच्छे लेसन के साथ, तब तक के लिए बाय।